आज बना रहे हैं मेरे भाई की स्पेशल रेसिपी ब्रेकफास्ट की। तो आइए चले इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू खाना खजाना विद सारा। और सुबह हो चुकी है, तो आज जो है ना, हमने अपने भाई को कहा, मैंने कहा आप, मैंने कहा अपना ब्रेकफास्ट, मैंने कहा आप रेडी करो, मैंने कहा और मैंने कहा हम बताते हैं कि आप किस तरह से, मैंने कहा उनके स्पेशल ऑमलेट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसके लिए हमने ले लिया थे 2 टेबलस्पून ऑयल हमने ले लिया था, ठीक है। हमने इस तरह से पैन में हमने डाल दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम गरम कर लेंगे, ठीक है। जब ये गरम हो जाएगा तो फिर और क्या क्या इसमें ऐड होगा, उसके लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे चाहिए, ठीक है। इसको हम तोड़ लेंगे। और हमने ये 2 अदद चॉप हमने टमाटर ले लिए थे और 1 अदद आपने चॉप हरी मिर्ची आपने ले ली लेनी है। ये देखें, 2 टमाटर जो है वो हमने तोड़ दिए थे। और इस तरह से अब ये जो मेरे भाई हैं, इसको क्या करें, फेंट रहे हैं, ठीक है। और ये रहे सही है, और सबको हाई कर रहे हैं, ठीक है। अब बस इसको अच्छी तरह से आपने इसको फेंटना है, सही है। अब ये देखें, ये ऑयल गर्म हो चुका था, तो 1/2 टीस्पून इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब से ज़ीरा इसमें शामिल करना है, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम। जब देखेंगे ज़ीरा का थोड़ा चेंज हो, जब खुशबू आने लगेगी, तो फिर हम इसमें क्या शामिल कर देंगे। और आज जो है ना, वो आपने क्या करनी है, मीडियम ही रखनी, हाई नहीं करनी, वरना क्या होगा, ज़ीरा हमारा बहुत ज़्यादा जल जाएगा, ठीक है। हम इसमें अब शामिल करेंगे टमाटर, और ज़रा थोड़ा दूर से डालिएगा, क्योंकि एकदम से ऑयल ऊपर की तरफ आता है तो आपके हाथों पर ना लगे, इसलिए भी केयरफुली होकर काम करिएगा, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लें, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि टमाटर जो है ना आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल नरम हो जाए आपके टमाटर, ठीक है। बस ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं, बस इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लें, ताकि टमाटर बिल्कुल नरम हो जाए। जब ये नरम हो जाएगी टमाटर, तो फिर हम इसके अंदर जो थोड़े से जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो शामिल होंगे, जिससे इसका जायका जो मज़ेदार सा आएगा, तो फिर ना हम अपनी रेसिपी को आगे कंटिन्यू करेंगे, सही है। और ये इतने लजीज ये ऑमलेट होता है कि आप बनाएंगे ना, आपका दिल हाथ ही नहीं रुकेगा, दिल जाएगा खाते जाएं, ठीक है। अब देखिए, बातें करते करते यहाँ हमारे 2 टमाटर थे वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या शामिल करेंगे, लाल मिर्ची पाउडर है बिल्कुल 1/4 टीस्पून। ये आपने हिसाब से भी आप ले सकते हैं, अगर आपको मिर्ची कम लगती है तो थोड़ी कम आप ले लें, ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, सही है। ये हमने नमक लिया है, तो आप अपने हंसब जायका आप नमक भी ले सकते हैं, ठीक है। बस इन्हें थोड़ा सा हमने नमक शामिल कर दिया है। बस अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से क्या कर लेंगे, मिक्स कर लें, ताकि जो लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, वो टमाटर के पेस्ट में क्या हो जाए, अच्छी तरह से वो मिक्सअप हो जाए, सही है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो 2 अदद अंडे जो हमने फेंट के रखे हुए थे, वो इसमें सब सारा के सारा आप डाल दीजिए, और उसको हल्के हल्के हाथों से इसको क्या कर लें, आप मिक्स कर लें इस तरह से, एकदम से आप बिल्कुल इसको चमचा ही मत चलाइएगा, वरना क्या होंगे, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल मशी मशी से हो जाएंगे, वो भी अच्छे नहीं लगते। थोड़े थोड़े से साबुत पीस होने चाहिए टमाटर के, अंडे के, ठीक है। बस अब ये देखिए, आपको नजर आया ना साइडों से, देखिए ये ऑयल है और अंडा, देखिए आप किस तरह से हो गया है। बस आपने इसको अच्छी तरह जल्दी जल्दी आपने इसको कुक करना है, हार्डली 2 मिनट बस इसको लगेंगे कुक करने में। और ये अंडा जो है ना, ये आपका बेहतरीन किस्म का जो ब्रेकफास्ट है ना टमाटो एग का, तो ये ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा टमाटो ऑमलेट, सही है। तो बस इसको हम, और बस ये देखिए ज़बरदस्त सा देखिए तैयार हो चुका है, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। और अब जो है ना समीर क्या करेंगे, बिल्कुल ये आपको इशारा करेंगे, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर इसको बनाइएगा रेसिपी को, ठीक है। और देखिए, इन्होंने सर्व कर दी इसको ब्रेड के साथ, पराठों के साथ, जैसा दिल चाहे इसको एंजॉय करें, और इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।